दोस्तों अगर भारत के लोगों से पूछा जाए कि उनका सबसे पसंदीदा खेल कौन सा है तो 95% लोगों का एक ही जवाब होगा और वो है क्रिकेट। इसका प्रमाण भी हम लोगों को हाल ही में देखने को मिला जब भारतीय टीम वर्ल्ड कप जीतकर भारत वापस लौटी तो किस तरह से उनका स्वागत किया गया। भारतीय टीम के स्वागत में पूरा जन सैलाब उमड़ पड़ा था। ऐसे में आए दिन ये सवाल उठाए जाते हैं कि भारत में क्रिकेट के अलावा और किसी भी खेल को उतनी लोकप्रियता नहीं है, सारा का सारा अटेंशन सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट को ही मिलता है। इसी दौरान एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें साइना नेहवाल क्रिकेट को लेकर कुछ बातें करती हुई नजर आ रही हैं। यह वीडियो एक पॉडकास्ट का है जिसमें साइना नेहवाल भारतीय फैंस को ही लेकर सवाल उठा रही हैं कि भारत में सिर्फ और सिर्फ लोग क्रिकेट ही क्यों देखते हैं जबकि बाकी खेलों की तुलना में क्रिकेट में कम मेहनत है। बाकी खेलों की बात करें तो उसमें फिजिकली ज्यादा फिट होने की जरूरत जबकि क्रिकेट में फिजिकल का उतना महत्व नहीं है। बैडमिंटन, टेनिस, बास्केटबॉल और फुटबॉल जैसे खेलों में आपको फिजिकली ज्यादा फिट होने की जरूरत है जबकि क्रिकेट में आपको फिजिकली फिट ना होके आपको पर्सनल टैलेंट की जरूरत होती है। तो ऐसे में भारतीय फैंस सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट को ही फॉलो क्यों करते हैं? केवल ओलंपिक और कॉमनवेल्थ जैसे जब गेम होते हैं तभी जाकर बाकी खेलों की भी तारीफें या फिर बातें की जाती है, उसके अलावा फिर इन खेलों की कभी बात नहीं होती है और पूरे साल सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट की ही बातें भारत के हर एक लोगों के जुबान पर आती है। जाहिर सी बात है यार कि जिस देश में क्रिकेट को लेकर इतनी ज्यादा क्रेज हो, इतना ज्यादा दिलचस्पी हो, तो ऐसे में बाकी खेलों से जुड़े लोगों को इससे आपत्ति होती ही है और होनी भी चाहिए क्योंकि जैसे क्रिकेट लोकप्रिय है बाकी खेल के भी लोग चाहते होंगे कि उनका भी खेल जो वो प्रोफेशन है वो भी लोगों के पास पहुंचे, उसकी भी तारीफें हों। और यही कारण है कि आए दिन लोग क्रिकेट की लोकप्रियता को लेकर सवाल उठाते रहते हैं और ऐसे में सरकार बाकी खेलों को भी प्रोत्साहन के लिए कई सारे कदम उठाती है लेकिन भारत में लोग क्रिकेट को एक रिलीजन की तरफ मान रहे हैं। क्रिकेट भारत के दिलों में बसा हुआ है, भारत के एक एक लोगों के दिल में बसा हुआ है क्योंकि बचपन से ही हमें सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट के ही बारे में पता लगता है। हम जिस माहौल में रहते हैं, जिस परिवेश में रहते हैं, वहाँ सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट ही हमें सुनाई देता है। अगर आप भारत के किसी भी गांव में जाएं तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ आपको ज्यादातर लड़के क्रिकेट ही खेलते नजर आते हैं। लेकिन साइना नेहवाल की इन बातों को दिल पर ले लिया हमारे केकेआर के यंग सेंसेशन अंगक्रिस रघुवंशी ने। भाई ने साइना नेहवाल की इस क्लिप को टैग करके एक पोस्ट कर दी। पोस्ट में रघुवंशी ने लिखा कि अगर जसप्रीत बुमराह 150 की स्पीड से आपके सिर पे बॉल करे तो आप क्या करोगी? अगर आप ये मानते हो कि क्रिकेट आसान है बाकी खेलों से तो आप इस बात का जवाब दो कि अगर जसप्रीत बुमराह 150 की स्पीड से आपके सिर पर बॉल करे तो ऐसे में आप क्या करोगे। हालांकि रघुवंशी ने इस पोस्ट को तुरंत ही डिलीट कर दिया लेकिन हमारे भारत के प्रतिभाशाली जो फैंस हैं उन्होंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया और वो वायरल हो गया जिसके बाद भाई ने तुरंत सॉरी बोल दिया। रघुवंशी ने लिखा, मैं आप सबसे माफी मांगना चाहता हूं, मैंने ये बात एक बस जोक के तौर पर कही थी, हालांकि ये एक इमेच्योर जोक था जिसके लिए मैं आप सबसे माफी मांगता हूं। अंगक्रिस रघुवंशी ने 2024 में केकेआर के लिए डेब्यू किया था और उन्होंने शानदार प्रदर्शन भी किया था। आपको बता दें कि 2022 में जब भारतीय टीम ने अंडर-19 वर्ल्ड कप जीता था तो उसमें अंगक्रिस रघुवंशी भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर थे। आज की खबर में इतना ही, अगर खबर अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना।